मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव, ये हमारे बोर्ड एग्जाम का और उसके बाद आपके मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जूस है। किस तरह से ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया जा सकता है, बेसिकली इसका हिंट जो है वो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में छुपा होता है, या यूजुअली स्टेटमेंट में से कोई ना कोई वर्ड जो है वो डेफिनेटली आंसर से मैच कर रहा होता है या उसके अंदर उसका कोई ना कोई लिंक या हिंट होता है। तो इसलिए जब ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, बेसिकली ये एक माइंड गेम है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जाता है। जो रट्टा है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसीलिए आपके साथ डिफरेंट जो वीडियोस हैं टॉपिक टू टॉपिक वो शेयर की जा रही हैं। अल हदम एकेडमी का पेज, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बायोलॉजी के लेक्चर्स को वॉच कीजिए, केयरफुली देखिए सारी वीडियोस को एंड तक, क्योंकि उसमें बड़ी ही डिटेल से हर स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और साथ में इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि आप किस तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो माइक्रोबायोलॉजी तो ये है नहीं, क्योंकि वो तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया की स्टडी होगी। वायरोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है वायरस की स्टडी होगी। तो पीछे रह जाने वाली चीज क्या रह जाती है? हिस्टोलॉजी। या तो आप स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट से समझ नहीं आ रहा तो आप जो सबसे कम मैच हो रही है ऑप्शंस उनको ओमिट कर दें, तो फिर जो रिमेनिंग ऑप्शन रह जाएगी दैट विल बी मोस्ट सूटेबल। तो मल्टीपल चॉइस में बेसिकली यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, इनमें से आपने मोस्ट सूटेबल जो है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू हमारे पास क्या रह जाता है यहाँ पे? हिस्टोलॉजी। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट स्लाइड और उसमें मैं आपको हिंट दूंगी, लेकिन आपने सॉल्व खुद करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा एंड देन आई विल चेक इट आउट, और मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपका गेस ठीक है या नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं गौर से तो आपको आज का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल टाइम बोर्ड पेपर्स में रिपीट हुए में हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो क्या ये फॉसिलाइजेशन है या ये, क्योंकि हम रिलेशनशिप इसका देख रहे हैं लाइफ का बेसिकली ना, इसकी एवोल्यूशन और इसका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वो कोई एक पर्टिकुलर साइंस तो होगी नहीं, तो वो तो ओवरऑल एक जनरल स्टेटमेंट है। तो इसलिए, और ये सिर्फ एक फॉसिल के बारे में भी नहीं है, साथ में रिलेशनशिप भी आ रहा है कि जो एवोल्यूशन है लाइफ की ऑन अर्थ उसका भी रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो इट इज बियॉन्ड लाइक अ सिंगल टर्म। तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि ये क्या होगा। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचर। नेचर यानी कि कुदरती तौर पे जो भी हमारा अर्थ है, जो बायोस्फीयर है और यहाँ पे डिफरेंट बायोम्स हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम हैं, इनके अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। तो क्या हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं या उनका रिलेशनशिप भी स्टडी कर रहे हैं, या जस्ट वी आर कंसर्न्ड अबाउट ऑर्गेनिज्म, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे? तो डेफिनेटली हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आप फिर देखेंगे कि उसमें आपके पास कौन सी चीज जो है वो आ जाती है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो विरासत या जिसे कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स में जो जीन्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक होल्ड कर रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन लेके पास ऑन हो रहा है, तो इस किस्म की स्टडी जो है जीन से रिलेटेड वो हम किसमें करेंगे? फंक्शन ऑफ सेल दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी, वो तो सेल के बाद की आने वाली है ना। हम तो सेल की और सेल के अंदर मौजूद चीजों की कर रहे हैं, यानी कि सेल से बड़े लेवल की तरफ नहीं हमने जाना। अ कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू इन एनिमल्स इज, टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो कनेक्टिंग की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमने देखना है कि ये सपोर्टिंग भी है, ठीक है। और जहां पे सपोर्टिंग है वहां पे साथ साथ में कनेक्टिंग भी है, सिर्फ सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, कनेक्ट भी कर रहा है। तो इसका देखिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको दोनों में क्या नजर आ रहा है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, एक ही जगह पे मौजूद डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीशीज का जिक्र कर रहे हैं, वैरायटी का जिक्र कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशी का नहीं जिक्र कर रहे। तो उसका फिर सुटेबल आंसर क्या होगा। द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि वाइड से लेके आपने स्पेसिफिक की तरफ जाना है, इफ से लेके और देन तक जाना है हमने, यानी कि अगर सब में ये है तो फिर फलां चीज में भी ये होगा। अगर सभी परिंदों के पर हैं तो कौवा जो है वो उड़ सकता है, तो उसके भी पर हैं क्योंकि वो भी एक बर्ड है। तो ये आपने बताना है कि बड़े में से छोटे ने निकलना है, तो ये क्या होगा, उसको मैथमेटिकल टर्म भी एक होती है, उससे मिलता जुलता जवाब है इसका। स्पीशीज का जो नंबर अब तक आइडेंटिफाई हो चुका है बड़ा ही कम नंबर है जी, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो लीस्ट नंबर है, आई एम श्योर अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। HIV ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, हेपेटाइटिस भी नहीं कर रहा, कैंसर कर रहा है, या टीबी है, या एड्स है। तो आपने ये बड़ा ही जबरदस्त ऑप्शंस है, आपने इसमें सॉर्ट करना है, जो सूटेबल नहीं है उनको निकालते जाए, तो यू विल लेफ्ट विद द करेक्ट आंसर। टाइम नहीं वेस्ट करना, क्विकली आपने समझ नहीं आ रही कौन सा है तो फौरन, ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी ऑप्शन है तो ये जरूर पता चल रहा होता है कि कौन सी नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती उसको निकाल दें। अच्छा जी, ऑर्गेनिजम्स की अगर हम उनके ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में अरेंजमेंट की बात करें तो हम उनको सिर्फ ये नहीं कर रहे होते कि जी सारे ऑर्गेनिज्म को उठा के और एक इररेलेवेंट वे में बस इधर से उधर बस एक लाइन में खड़ा कर दें, हम उनकी सिमिलैरिटीज की बेसिस पे उनको अरेंज कर रहे होते हैं। मतलब जो एक जैसे दिख रहे होंगे, एक जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, एक जैसे एनवायरनमेंट में रहने वाले होंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स जो हैं इनकी डिफरेंट जो इनका आप कह लें कि ये स्क्रीट करते हैं इम्पोर्टेंट केमिकल्स। तो आपने देखना है कि वो केमिकल्स बॉडी के अंदर रह रहे हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये बॉडी से बाहर उनको निकाला जा रहा है, एग्जिट कर रहे हैं वो। अच्छा जी, डिफरेंट सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेल से नेक्स्ट लेवल सेल्स है ना, और वो ग्रुप हुए में है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द फंक्शन। तो सेल्स का ग्रुप, सेल से नेक्स्ट लेवल आपको डेफिनेटली हायरार्की ऑफ लाइफ वाले लेसन में हमने स्टडी किया था। लार्ज रीजनल कम्युनिटी की अगर हम बात करें विच इज बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट, बड़ी ही स्पेसिफाइड होती है और रीजनली डिफाइंड उसकी बाउंड्रीज होती हैं। तो मोस्ट यानी कि इस लिहाज से सबसे ज्यादा वर्ड आपने कौन सा सुना हुआ है, काउपॉक्स पस जो है। अब ये आपने स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, काउपॉक्स पस उसको क्या कहते हैं, काउ को क्या कहते हैं, या काउपॉक्स को क्या कहते हैं, या इसको इनकॉर्पोरेट बॉडी के अंदर करने को क्या कहते हैं, या इंजेक्ट करने को क्या कहते हैं, नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है काउपॉक्स पस को क्या कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो क्लोन किया था साइंटिस्ट ने, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे 1997 में। ये छोटा तो नहीं, काफी बड़ा सा हिंट है, लेकिन आई थॉट कि आपका एक दफा ये हमने इसको काफी डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ से आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपने देखना है जी, ये क्या चीज है। बायो एलिमेंट्स बेसिकली जो 99% हमारी बॉडी का मास कर रहे हैं। तो आपने इसके कुछ फिगर्स याद कर लेने हैं, सबसे बड़ा फिगर, दरमियान वाला फिगर और सबसे छोटा फिगर। अब ये सबसे ज्यादा अमाउंट किनकी होगी, जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं, जो दरमियान वाला फिगर होगा, और सबसे कम फिगर जो उन सिलेक्टेड एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं उनमें से भी 99% जो ह्यूमन बॉडी को बना रहे हैं 99%। तो वो सबसे छोटा डिजिट, पहले तो आपने वो तीनों डिजिट याद करने ना, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं, एंड देन आपको फिर ये फिगर याद होगा। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये आपने फिंगर टिप्स पे करने हैं जी। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसको आप डाटा की फॉर्म में अरेंज करके एक स्टेटमेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज, जो भी वो इवेंट हो रहा होता है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन की एक टेंटेटिव जो स्टेटमेंट देते हैं हम, क्योंकि ये बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की बेस पे है, एक्सपेरिमेंट की बेस पे नहीं है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। एक्सपेरिमेंट के बाद वो क्या कहलाएगी और आपके एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के बाद क्या कहलाएगी। तो स्टार्ट से आपने स्टार्ट करना है। तो आई एम श्योर कि आपको फर्स्ट स्टेप जब हमारा आएगा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का, एंड देन उससे आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी चीज बनती है। हाँ जी, एड्स जो है बेसिकली ये एक्सीडेंटल इम्यूनिटी डिस्ट्रक्शन है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, या डीफॉर्मिंग हो रही है। तो ये अब आपने इसको, क्योंकि ये टर्म है तो यू हैव टू मेमोराइज इट कि ये क्या कर रहा है। ये हमारी कुव्वत मुदाफत को कम कर रहा है, तबाह नहीं कर सकता, कम कर रहा है, कम करते 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 खत्म कर देता है। तो ये क्या कहलाएगा। इंसेक्ट्स जी, इंसेक्ट्स का आपने याद रखना है कि सबसे कम जो है वो फंजाई एल्गी हैं, उससे ज्यादा प्लांट्स हैं, और उससे ज्यादा दो चीजें आती हैं, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स। तो अब आपने ये याद करना है कि इंसेक्ट्स कौन से वाले थे, सबसे ज्यादा वाले थे या उससे जरा कम वाले थे। और फंजाई एल्गी वो सबसे कम वाले थे या सबसे ज्यादा वाले थे। ये परसेंटेज जो है ये मैंने आपको एक बड़ा प्यारा पाई चार्ट बना के पढ़ाया था। तो आई एम श्योर कि अगर वो आपको अच्छे से आपने उसको वीडियो को देखा था तो आपको ये फिंगर टिप्स पे होंगी परसेंटेजेस। अच्छा जी, कुछ रेडिएशंस या उनसे हम एक्सपोज कराते हैं कैंसरस सेल्स को, या कुछ केमिकल्स जो हैं वो एडमिनिस्टर कराए जाते हैं। तो ये दो वेज हैं ट्रीटमेंट के एट रेगुलर इंटरवल्स। तो केमिकल्स हैं तो वो ड्रग डिलीवरी होगी या वो कीमोथेरेपी होगी, मे बी जीन थेरेपी भी हो सकती है। आप अपना कोई भी रिक्वायर्ड जीन है वो इंडक्ट करा एडमिनिस्टर कर दें, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें, जो कि आपका रिक्वायर्ड केमिकल वहां पे प्रोड्यूस कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो अब आपने सोचना है कि ये क्या है, और हर क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज भी नहीं होते, इतना सोचते भी नहीं है। Sometimes it's like common sense। पेलियोजोइक एरा जी, एरा कौन कौन से थे, तरतीब उनकी क्या थी, और हर एरा फर्दर कितने पीरियड्स में डिवाइड हो रहा है, ये हमने बड़ी डिटेल से अपने लेसन में किया था। तो ये तो आई एम श्योर जी आपकी फिंगर टिप पे होगा, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी। करंट पीरियड कौन सा चल रहा है हमारे पास, डिवोनियन है, टर्शियरी है, क्वाटर्नरी है, या क्रिटेशियस है। एंड एज जो है ट्राइलोबाइट्स की, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर अबाउट फॉसिल्स, तो उसमें ये आपको याद होगा कि वो कौन सा है जी इरा जिसको हम एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहते हैं। वो अर्लीस्ट वंस थे या वो लिटरल वंस थे या वो कोई पर्टिकुलर पीरियड था। तो ये आपने आई एम श्योर यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, देन आई विल डेफिनेटली गो थ्रू द आंसर्स, और जहां मुझे लगा कि नहीं यहाँ गड़बड़ है तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू। इसके अलावा फर्दर अगर आपको मजीद ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। काफी ज्यादा मैंने बीच में कुछ मैंने छोड़े हैं इंटेंशनली, क्योंकि वो हमारा जो दूसरी वीडियो है जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके साथ भी काफी आपका कवर हो जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, हर लेक्चर के दरमियान में भी मैं साथ साथ बताती रही हूँ कि ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है या ये वाला पार्ट भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज उनको भी गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।